के 7,000 से ज्यादा बिल्डर इन दिनों परेशान चल रहे हैं और ये परेशानी उन्हें फरवरी महीने से उठानी पड़ रही है, जिसके चलते इन्होंने अपना बिल्डिंग बनाने का काम भी बंद कर दिया है और अब ये 7,000 से ज्यादा बिल्डर सरकार से दिवाली का तोहफा मांग रहे हैं। चलिए आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार क्यों गुरुग्राम के 7,000 से ज्यादा बिल्डर परेशान हैं और सरकार से वो दिवाली का तोहफा क्यों मांग रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल स्टेट के सेक्टर से जुड़ी हुई हर खबर आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। दरअसल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से गुरुग्राम के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में 22 फरवरी 2023 को स्टेल्थ पार्किंग प्लस फोर फ्लोर के निर्माण के नक्शे पर इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से गुरुग्राम में बिल्डर फ्लोर बनाने वाली 7,000 से ज्यादा बिल्डर्स को एक बड़ा झटका लगा था और खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने HSVP और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इलाके के साथ साथ प्लॉटिंग कॉलोनी में प्लॉट लिए हुए थे, जिसे तकरीबन आज 8 महीने का समय बीत चुका है। बीते 8 महीनों में बिल्डरों द्वारा फ्लोर बनाने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। गुरुग्राम के बिल्डर्स और डेवलपर्स को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश सरकार ने 4 फ्लोर से संबंधित समस्याओं को लेकर मार्च महीने में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने टाउन प्लानिंग, HSVP प्रदूषण कंट्रोल डेवलपमेंट, RWA बिल्डर और होम डेवलपर के साथ कई मीटिंग करके जून महीने में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को गए हुए भी आज 4 महीने का समय बीत चुका है और अब गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन एक बार फिर सरकार से गुजारिश कर रही है कि सरकार पुरानी जोनिंग को लागू करते हुए स्टिल्ट प्लस फॉर फ्लोर का दिवाली के तोहफे के रूप में बिल्डरों को तोहफा दे दे। देखिए आज बहुत ही एक असमंजस की स्थिति है कि 4 मंजिल होगा या लोगों में कि 3 मंजिल होगा। और अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और जो आश्वासन भी उन्होंने दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिसीजन को लेकर सरकार बहुत गंभीर भी है और महीने भर के अंदर, ऐसा मैं समझता हूँ, दिवाली से पहले डिसीजन भी आ जाएगा। देखिए अकेले गुड़गांव में जैसे अभी डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को और सरकार ने भी इस चीज़ को माना है कि लगभग 750-800 करोड़ रुपये पिछले कुछ सालों में ही इसे जमा हुआ है। सरकार को भी आज रेवेन्यू खाली IDC, EDC, IDC से ना होकर स्टैम्प ड्यूटी से भी रेवेन्यू मिलता है। बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है ये, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है और साथ साथ लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। और वो सब लोग जो कहीं ना कहीं HSVP में अलॉटी हैं या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वो हर व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है आज इस डिसीजन से वो अफेक्टेड है। देखिए इसके अंदर लगभग मैं समझता हूँ कि हर साल गुड़गांव के अंदर 1,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, जो कि 1,000 प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कम से कम, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करते हैं 1,000 से ज़्यादा नक्शे पास होते हैं और घर बनते हैं। और गुड़गांव के अंदर पिछले 2019 में जब सरकार ने इसको लागू किया था, 4 साल के अंदर लगभग 16,500 से ज़्यादा घर बन भी चुके हैं, फ्लोर्स बन चुके हैं। उससे जो इसके अंदर जो अफेक्टेड है वो ये हुआ था कि जिस दिन सरकार ने इस पॉलिसी को बंद किया था, जिन बिल्डिंग्स के 2 फ्लोर के नक्शे पास थे और बिल्डिंग 4 फ्लोर की बनी हुई है, वो बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। तो हमने सरकार को पीछे इसके लिए पत्र भी लिखा था, हम लोगों ने जाके वहाँ पे मुलाकात भी की थी कि इन बिल्डिंग्स को जल्द से जल्द राहत दी जाए, क्योंकि ये सरकार की स्कीम के अंडर ही था। उस टाइम पे आप 2 फ्लोर का नक्शा पास करा के बाद में कंपोजिशन के तहत बिल्डिंग का 4 फ्लोर का नक्शा पास करा सकते थे, क्योंकि सडनली हुआ, लोगों को इसके लिए मौका नहीं मिला था। तो उन बिल्डिंग्स को इससे ज़रूर राहत मिलनी चाहिए। हमें कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मीडिया से ही जानकारी मिली थी और जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी गुड़गांव को लेकर, कमेटी ने भी रेकमेंड किया था गुड़गांव में इंफ्रा के ऊपर काम होना चाहिए और गुड़गांव के अंदर 4th फ्लोर को लेकर कमेटी ने कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी थी, बल्कि कमेटी ने रेकमेंड किया भी था कि गुड़गांव में 4 फ्लोर होने चाहिए। सिर्फ रोड को लेकर कमेटी ने अपनी तरफ से सरकार को सजेशन दिया था कि छोटी रोड पर ये नहीं होने चाहिए। देखिए कुछ लोगों की कंप्लेंट की वजह से सरकार को टेम्परेरी इसको विड्रॉ करना पड़ा था। सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर भी ये बात निकल के आई कि 85% लोग फ्लोर चाहते हैं। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के अंदर 4 फ्लोर थे, शायद दिल्ली के अंदर 5 फ्लोर भी होने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी सरकार दिल्ली NCR को देखते हुए, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त लोड है, बहुत ज़बरदस्त डिमांड भी है, इसको 4 फ्लोर पर वापस लेके आएगी। 4 फ्लोर को लेकर सरकार ने जो टेम्परेरी बैन किया, मैं समझता हूँ पंचकुला के काफ़ी लोगों ने और हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोगों की जो कंप्लेंट थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेके, उसको लेकर सरकार ने इस पर टेम्परेरी बैन किया। और मैं अब जो है, हम लोगों ने आज अपील भी की है
कि कोई भी पुरानी जोनिंग को लागू करे, कोई भी इस तरह की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना करे जिससे कि पड़ोसी को परेशानी ना हो। जब पड़ोसियों की कंप्लेंट ही खत्म हो जाएगी तो कोई भी नहीं चाहता कि 3 फ्लोर हो और कोई चाहता कि 4 फ्लोर हो। हमने सरकार को सबसे पहली चीज़ तो आज यही हमने डिमांड की है कि जो पुरानी जोनिंग है उसमें काफ़ी हद तक आगे और पीछे जगह छोड़ने का प्रोविज़न बहुत अच्छा था, उसको लागू किया जाए और डिपार्टमेंट इस बात को सख्ती से लागू करे कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद ओसी लेने के बाद कोई भी उसके आगे पीछे ना बढ़े। ये काम तो डिपार्टमेंट का, एसोसिएशन तो अपनी तरफ से अपने मेंबर्स को इस बारे में जागरूक कर सकती है। हमने हमेशा जागरूकता के प्रोग्राम भी चलाए हैं और सरकार को इसके लिए बार बार अपनी तरफ से सजेशन भी दिए और सरकार ने उन चीज़ों को माना भी है। पहले भी हमने अपनी मीटिंग के अंदर हमारे DTP जितने भी रहे हैं उनको भी मीटिंग में बुला के पब्लिक को, हमारे मेंबर्स को हमने जागरूक किया है और लोगों ने उसको माना भी है। देखिए गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करते हैं बिल्डर्स की, तो गुड़गांव के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा बिल्डर काम करते हैं, उसमें से काफ़ी बिल्डर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे बिल्डर वो भी हैं जो हमारी एसोसिएशन के साथ नहीं है बट वो काम कंस्ट्रक्शन का ही करते हैं। देखिए अभी तो हमें पूरी उम्मीद है कि दिवाली तक सरकार इसको खोलेगी, जो सरकार ने आश्वासन दिया है दिवाली से पहले सरकार इसको खोलेगी और इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन लेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर डिसीजन लेगी। अभी ऐसा तो हम तब सोचे जब हमें लग रहा हो कि सरकार इसको नहीं करेगी, हमें पूरी उम्मीद है सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो आश्वासन उन्होंने पहले भी दिए हैं उनके ऊपर भी उनके डिसीजन जितने रहे हैं वो जनहित के रहे हैं। और आज ये भी मुद्दा खाली बिल्डर का डिमांड नहीं है, ये हर उस आदमी की डिमांड है जिसके पास, मैंने पहले भी कहा, जिसके पास गुड़गांव में हरियाणा में कोई भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर आदमी इससे अफेक्टेड है। गुरुग्राम से पार्किंग प्लस फ्लोर आवाला दिवाली का तोहफा मांग रही होम डेवलपर एसोसिएशन ने इसके पीछे कई दलीलें रखी हैं, जिसमें एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से इस योजना को रोकने के बाद से गुरुग्राम में करीब 5,000 से ज़्यादा बिल्डिंग बनी है, जिसकी वजह से सरकार को IDC और EDC के रूप में 1,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू मिलना था लेकिन वह नहीं मिला है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी से भी सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। गुरुग्राम में हर साल सैकड़ों हाई राइज बिल्डिंग तैयार की जाती हैं, लेकिन बोलने के लिए हाई राइज बिल्डिंग कभी भी अपने ग्राहकों को तो समय पर फ्लैट तैयार कर नहीं देती है। वहीं फ्लैट लेने वाले उपभोक्ता जिंदगी भर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्टिल्ट पार्किंग प्लस फोर वाले फ्लोर्स की, तो इनको हमेशा ही जो फ्लैट है वो टाइम पर मिलते हैं और ऐसी कोई परेशानी इनको अपने बिल्डर्स के द्वारा झेलनी भी नहीं पड़ती है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो 4 फ्लोर पर रोक लगने से लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। जब तक फ्लोर बिल्डिंग तैयार होती है तो तब तक बिल्डिंग में लगभग 100 लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, और गुरुग्राम में लगभग 10,000 बिल्डर हैं जिसमें सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग मटेरियल, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फैब्रिकेटर जैसे लोगों को रोजगार मिलता है। कहीं ना कहीं लोगों की रोजी रोटी पर भी मार पड़ रही है। अगर 4 फ्लोर की परमिशन दोबारा मिल जाती है तो आम नागरिक को भी सस्ते दामों में अपना सपनों का आशियाना मिलने की उम्मीद अब और भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि होम डेवलपर एसोसिएशन अब सरकार से उम्मीद लगाकर बैठी है कि इस दिवाली पर सरकार न केवल बिल्डर फ्लोर बनाने वाले लोगों को दिवाली का तोहफा दे बल्कि आम लोगों को भी सस्ते फ्लोर खरीदने का डबल दिवाली बोनस भी दे। देखिए हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स करने हैं और इसमें एक बहुत बड़ा रोल, अगर आप लोग कंक्रीट रोल प्ले करें तो शर्ती है दिवाली तक हमें, जो हम उम्मीद करते हैं कि हर गरीब आदमी के पास एक रोटी होगी, जो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, जो मजदूर लोग हैं, इसमें आपका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल अगर हुआ तो निश्चित रूप से दिवाली तक ये काम हो जाएगा। तो आपको अभी मैंने डाटा दिया था, तकरीबन आप ये मान के चले 10 लाख लोग, जैसे 7,000 बिल्डर्स बोले थे, नरेंद्र जी ने 10,000 बोले, एक बिल्डिंग पे आप 100 लोग मान के चले। आप सिविल के होते हैं कम से कम 20 लेबर होती है, इलेक्ट्रीशियन के होते हैं 5 से 6, प्लम्बर के होते हैं 4-5, कारपेंटर के होते हैं 7 से 8, ऐसे करते करते फैब्रिकेटर्स, ये सब मिलाएं तो आपको एक्चुअली में ताज्जुब होगा और आपको शौक लगेगा कि 10 लाख की फिगर भी क्रॉस कर सकते हैं। नक्शे अभी तो देखिए, जो हमें ये देखना होता है, अगर हम प्लॉट खरीदते हैं एक्स अमाउंट का, आज प्लॉट्स के रेट में कमी नहीं हुई, क्या 3 फ्लोर में वायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? वायबिलिटी ही नहीं आएगी। हम इतने महंगे नहीं बेच सकते जो कंज्यूमर के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो। अगर हम जो प्लॉट्स के रेट पुराने वाले हैं
उसके अगर हम चल रहे हैं तो वायबिलिटी नहीं रहेगी। आप मतलब कोई भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका होगा। ये चार फ्लोर होंगे तभी वायबिलिटी आएगी, चार के पांच हो जाए तो फ्लोर और भी सस्ते हो जाएंगे। गुरुग्राम में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, जो हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर सके वर्टिकल ग्रोथ का ही चांस है। तो और जैसे लोग आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हज़ारों लोग बाहर से आते हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग बाहर से आते हैं, वो घर ही नहीं ले पाएंगे, इसलिए गुड़गांव में तो बहुत ज़रूरी है। सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर है, बहुत ज़रूरी। रोक का तो ये जी थोड़ी सी लोगों की जल्दबाजी। आप मेरी बात सोचे, आपका एक घर है, आपके पिताजी ने आपको घर दिया, लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, धीरे धीरे समझ में आएगी। उन्होंने कह दिया जी पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, ये चार फ्लोर की वजह से नहीं आ रहा। भाई पानी बिजली तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगी। आपका घर आज 100 रुपए का था, अब उन्होंने ये फोर फ्लोर बंद कर दी, तो आपका घर घट के 75 रुपए का हो गया। सो आप भी अफेक्टेड है, लोग भी अफेक्टेड है, हम ही अफेक्टेड नहीं है। उसकी वैल्यू जो पहले थी वो उससे 25% नीचे आ गई। उम्मीद तो पूरी है जी, जैसे मैंने पहले ही बोला, आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करें तो निश्चित रूप से दिवाली तक अच्छा खबर आनी चाहिए। हम तो नहीं मनाएंगे, हम इसलिए नहीं मनाएंगे कि हम मना नहीं सकते, लेकिन हमारे बहुत सारे गरीब जो हमारे पास काम करने वाले हैं, जिसके घर में रोटी नहीं है तो मैं मिठाई नहीं खा सकता, ये बड़ा स्पष्ट है। आप दिवाली भी मनेगी, पंकज जी मिठाई भी खाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है इस पे डिसीजन सरकार लेगी, और सरकार का आश्वासन भी है कि दिवाली से पहले इसको खोला जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने मेरी पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था इसके ऊपर जल्दी हम डिसीजन लेंगे, और जहां तक मैं समझता हूं दिवाली से पहले डिसीजन हो जाएगा, 100% होगा। सरकार के काम पे जूं तो रहेगी थी, उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, क्योंकि पब्लिक भी चाहती है, कुछ लोग चाहते हैं कि इसको प्लस ना हो, पब्लिक की डिमांड भी है, और कुछ लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई। अब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो निर्णय लेना चाहते हैं सीएम साहब। हमें उम्मीद है दिवाली तक वो इस निर्णय को बहाल कर देंगे। पीछे मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने काम जल्दी कर देंगे, तो हमें उम्मीद है दिवाली तक ऐसा वो निर्णय ले लें, जिस भी शेप में लेना है उस निर्णय को लेके, और मुख्यमंत्री से फिर मिलेंगे, वो क्या कहते हैं इसके हिसाब से फिर हम तय कर लेंगे कि हमें किस ओर जाना है। जरूरी तो बहुत है, इससे हमारे लाखों लोग इफेक्टिव हैं। हम तो मुख्यमंत्री से यही दरख्वास्त करेंगे, या तो पूरे हरियाणा में खोलें, अगर उनको हरियाणा में खोलने की मजबूरी है, नहीं खोल सकते, तो गुड़गांव फरीदाबाद को तो एटलीस्ट उन्हें अलग रख लेना चाहिए। जैसे NCR में अगर गाड़ी की कोई रूलिंग है वो गुड़गांव फरीदाबाद पर लागू होती है, ऐसे ही फ्लोर की रूलिंग भी उनको ऐसे लागू कर देनी चाहिए, गुड़गांव फरीदाबाद को हरियाणा से अलग कर देना चाहिए, ताकि ये दिल्ली के साथ चले। दिल्ली में वही प्रेशर है पब्लिक का, तो ज़मीन तो बढ़ा नहीं सकते, आप ऊपर जितना मर्जी जा सकते हो। ऐसे ही हम अभी से चाहते हैं कि सरकार इसकी योजना बनाए, ताकि हमें फिर बाद में दिक्कत ना आए, अभी से हम इसको ऊपर ले जाएं। और मैं तो विदेशों में भी घूम के आया, वहाँ भी 5 मंजिल के घर बनाए जाते हैं, यहाँ पता नहीं क्यों हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गुड़गांव में या कहीं भी अब ज़मीन की कमी होती जा रही है। हमें इसको जितना ऊपर लेके जाएंगे ज़्यादा अच्छा है। पहले 3 मंजिल के हिसाब से प्लानिंग की गई थी टाउनशिप्स की, अब उसको 4 मंजिल में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसको करना भी चाहिए, ताकि किसी को कोई शिकायत ही ना हो। गुड़गांव में कम से कम 1000 प्रोजेक्ट लिखा हुआ, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का, ऐसा नहीं सरकार को भी लोस है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए, तो किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं है, ना बिल्डर को, ना आम आदमी को, ना सरकार को। तो सरकार इस पर जरूर कोई अच्छा निर्णय लेगी, और जल्दी इस पर बहाल करेगी 100%, क्योंकि जैसे 3 फ्लोर होते हैं उससे बजट बढ़ जाता है, तो काफ़ी लोग एकदम से बाहर हो जाते हैं। तो सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम कीमत पे घर मिले, तो उसका एक ही वो है कि हमें 4 की बजाय चाहे 5 मंजिल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि कम से कम कीमत में लोगों को घर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर मिले। गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन से जुड़े हजारों बिल्डर्स और डेवलपर्स यही आस लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार पूरे प्रदेश में नहीं तो कम से कम गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे मेट्रो शहरों में तो दिवाली पर 4 फ्लोर की परमिशन की मंजूरी दे ही दे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इन दिनों स्टिल्ट प्लस 4 की मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल स्टेट से जुड़ी हुई खबरें सीधी देख सकें।